2019 के सबसे बड़े महापर्व का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही देश में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने रविवार को चुनाव तारीखों का ऐलान किया। इस बार 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक चुनाव में वोट डाले जाएंगे और 23 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने आम लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व की बधाई दी है। वहीं मायावती ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का आम चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराना श्री मोदी सरकार की कश्मीर नीति की विफलता का द्योतक है। जो सुरक्षा बल लोकसभा चुनाव करा सकते हैं, वही उसी दिन वहां विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करा सकते। केंद्र सरकार का तर्क बेतुका है, वह बीजेपी का बहाना बचकाना है।